अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोकारो के पुलिस लाइन मैदान में योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बोकारो की डीसी विजया जाधव, एसपी पूज्य प्रकाश समेत कई अधिकारी और शहर के लोगों ने योग अभ्यास किया। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी विजया जाधव ने कहा कि बेहतर जिंदगी और सुखमय जिंदगी के लिए योग आवश्यक है, इसे हर लोगों को जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2-4 दिन योग अभ्यास करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नियमित योग करने से लोग स्वस्थ और मस्त रहेंगे। स्थिति में आप सांस भरिए, स्थिति में आते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए बाएं कंधे पर वापस समान सांस को छोड़िए, गर्दन को। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। योग हमारी बहुत प्राचीन जीवन पद्धति है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन करने से हम योग करते ऐसा कह सकते। इससे एक शारीरिक एज वेल एज मानसिक भी संतुलन रहता है, और जिस टाइप का स्ट्रेसफुल लाइफ, मतलब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम्स हैं, सब लोगों के अलग अलग प्रोफेशन में लोग जिस तरह से स्ट्रेसफुल लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर सभी प्रशासन के लोग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योग किया पुलिस केंद्र में। इससे एक समाज के अंदर योग के महत्व और इसके पीछे जो आध्यात्मिकता छुपी हुई है उसको प्रचार प्रसारित होता है, साथ साथ में सभी लोग इससे लाभान्वित होकर स्वस्थ रहने की भी प्रेरणा मिलती है और व्यक्तिगत लाइफ में भी संकल्प शक्ति, आत्मविश्वास का भी बल मिलता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज योग दिवस?